आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे रेल जैसे विशेष क्षेत्र पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और रेल राज्य मंत्री जी को अभिनंदन करूंगा कि 125 करोड़ जनता के हित में देश की आधुनिकता के तरफ अग्रसर रहने के लिए यह बजट संजीवनी की तरह काम करेगी। मैं अध्यक्ष महोदय, रेलवे के पिछले 5 साल में जनहित में जो सुधार और देश की जनता के साथ यहाँ बैठे हमारे उन सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि रेलवे देश की सबसे पुरानी आय का स्रोत वाली संस्था है जिसका हमेशा से दुरुपयोग किया गया है। पूर्व के सरकारों में रेलवे का जो हाल रहा है उसको बयान करना एक बहुत जरूरी मसला है कि जितनी भी बार रेलवे मिलीजुली सरकार यहाँ जो मिलीजुली सरकार रही है भारतवर्ष में, और रेलवे का वो जो हालत था कि सब लोग अपने राज्य के बारे में ही सोचते थे, और राज्य के बारे में सोचते सोचते देश का जो पूरा सिस्टम था वो सिस्टम कहीं ना कहीं आज सब लोग रेलवे के लिए डिमांड कर रहे हैं। हर आदमी, जितने भी यहाँ हमारे एमपी हैं, सबको रेलवे के बारे में, उनके इलाके के बारे में कहना पड़ा। 70 साल आजादी को हो गए, और जिस क्षेत्र में हमारे पश्चिम बंगाल में आप देखिए, 3-3 वहां रेल मंत्री रहे हैं, और बिना कुछ रहे हुए, और रेल बजट में सब कुछ आ गया, 22-24 प्रोजेक्ट आ गया, पैसा है नहीं, प्रोजेक्ट आ गया, चुनाव हो गई, चुनाव जीत गए, रेल के नाम पर कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई रेल का कारखाना खोल रहा है, और रेल के कारखाने में 1,000 रुपया आज पड़ा हुआ है। आज मैं जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ, बैरकपुर एक ऐतिहासिक जगह है, 1857 में मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह किया था, आज भी कैंटोनमेंट इलाका है, बहुत सारे आर्मी पर्सन, पुलिस पर्सन को वहाँ कैंटोनमेंट इलाका होने के चलते उनको देश के दूसरे दूसरे राज्यों से आना पड़ता है। आज उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ से सीधे बैरकपुर से कोई रेल की व्यवस्था हो, जो आसाम बेसी भाग हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे यहाँ बैरकपुर में रहते हैं, बैरकपुर में आर्मी में उनका पोस्टिंग होता है, लेकिन उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई। और जितना भी विरोधी पक्ष में, जब से हम लोग देखते हैं कि विरोधी पक्ष में जो लोग भी रहते हैं, सारा गुस्सा, अगर केंद्र सरकार से कोई गुस्सा है, कोई आंदोलन, तो रेल को जला दो। पिछले यहाँ सीएए का जो आंदोलन, सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो हमारे बंगाल में कम से कम डायरेक्ट 100 करोड़ रुपया का नुकसान रेलवे का हुआ, इनडायरेक्ट जाइए तो 400 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, और रेलवे को जला दिया गया। मैं माननीय मंत्री यहाँ बैठे हुए, मैं कहूंगा कि आरपीएफ को मजबूत किया जाए, रेलवे को, रेलवे की सिक्योरिटी इतनी जरूरी है, खासकर ट्रेन की, ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरा हो, ट्रेन के रेल लाइन के लिए हम लोग सब लोग बोलेंगे, रेलवे का नया ट्रेन खुलना चाहिए, लेकिन जो ट्रेन है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग रेलवे के अंदर, आरपीएफ का काम है कि वो अपना सिर्फ ड्यूटी बजाता है, रात के अंधकार में देखिएगा तो खाली वो खोमचा वाला रिक्शा, जो छोटे छोटे वेंडर है, उनसे पैसा वसूली का काम करता है, दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। रेल की संपत्ति जल रही है, लूट रहे हैं लोग, आग जला रहे हैं, एक भी मुकदमा पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया है, या आरपीएफ ने नहीं किया, जो 100 करोड़ की संपत्ति को डायरेक्ट जलाया गया। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि रेलवे की उन्नति और के बारे में सबको ही हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पश्चिम बंगाल में रेलवे की जितनी जमीनें हैं वो उसको ऑफिशियली घोषणा करके, आपको एडवर्टाइजमेंट देकर पश्चिम बंगाल की सरकार बोल रही है ये मैं वहाँ रोहिंग्या को बसाऊंगा, रोहिंग्या लोगों को अलर्ट कर दिया जा रहा है, वो जमीनें वहाँ की बेच दी जा रही है रेलवे की। हमारे एक महाराष्ट्र के एक सांसद बोल रहे थे कि उनको ऑफिशियली कर दिया जाए, कोई बड़ी अच्छी बात है यदि सरकार को उससे, रेलवे को अगर उससे फायदा हो। एक तरफ कहा जा रहा है रेल के पास पैसा नहीं है, हमारे एक सांसद बोल रहे थे रेल के पास पैसा नहीं है, रेल के पास कम बजट दिया गया है, माननीय सौगत राय जी बोल रहे थे कि बहुत गरीब हो गया है रेल, और रेल गरीब हो गया है और रेल की संपत्ति ये लोग बेच रहे हैं। तो बंगाल में जिस जगह से मैं आया हूँ, रेल के हालत इतनी खराब है, वहाँ आपको मैं बता दूँ, एक रेल में
रेल की जमीन, रेल का जो क्या नाम है, वहाँ तालाबें हैं, सब वो जबरदस्ती ये लोग दखल करके उसको बेच रहे हैं। एक सेकंड में बोलूंगा, हमारे यहाँ आपको पता है कि कृष्णा नगर में वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जगह है और बहुत ही भगवान कृष्ण के दूसरे रूप के रूप में उनको जाना जाता है, और वहाँ से एक नई रेल लाइन के शिकारपुर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ यदि किया जाए तो वहाँ हमारे चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और हावड़ा से गोरखपुर का अगर कोई ट्रेन संभव हो तो, कि वहाँ के बहुत सारे लोग गोरखपुर से हमारे यहाँ रहते हैं, अगर संभव हो तो यहाँ करने से बहुत ही अच्छा। मैं इस समर्थन करके अपना वक्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।